आज हम जान रहे हैं साइटिका के पेन में, ग्रह दृषि के पेन में कौन कौन सी ऐसी हठयोग की क्रियाएं आवश्यक रूप से हमें करनी चाहिए जो कि ये साइटिका के पेन में विशेष लाभकारी होंगी। साइटिका पेन कहते किसको है? साइटिका पेन कहते हैं, कूल्हे से एक नर्व शुरू होती है, वो जाकर के पैर की एड़ी में समाप्त होती है। अब इस नर्व का डिसलोकेशन कह दिया जाए, इस नर्व के सूजन कह दी जाए, इस नर्व में पोषक तत्वों की कमी कह दी जाए, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या कह दी जाए, ये सब साइटिका के पेन को जनरेट करती है। यानी कि साइटिका का पेन होने लगता है उस व्यक्ति को जिनकी सियाटिक नाड़ी या साइटिक नाड़ी, साइटिका की नाड़ी बिगड़ जाती है। इसके बिगड़ने के कारणों पर आज हम विचार नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा है कि यह कूल्हे के पीछे से जैसे निकलने वाली जो नर्व है, यह अगर दर्द कर रही है तो वह साइटिका का रोग कहलाता है। यह लंगड़ी वाई भी कहलाती है और यह गृध्रसि भी कहलाती है संस्कृत भाषा में। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी हठयोग की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को आज हम देख रहे हैं। काफी सारे दर्शकों का मेरे पास पहले भी कॉल आया तो मैंने उनको कहा था मैं पूरा एक प्रोग्राम ही अलग साइटिका पर बना दूंगा। तो आज इस अलग से प्रोग्राम पर अपन साइटिका को ठीक करने के लिए, इसमें थोड़ा आराम पाने के लिए कुछ आसनों को देख रहे हैं। तो मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सबसे पहला अभ्यास साइटिका पेन के लिए, सबसे पहली प्रैक्टिस, दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाएं, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, श्वास पूरा भर के इसको आगे की तरफ पैरों को खींचे। देखिए मेरे पैर आपको दिख रहे होंगे, पूरी तरह से खींचे। पीछे से आप थोड़ा आरामदायक स्थिति में भी बैठ सकते हैं और जो दंडासन में बैठ सकते हैं सीधे होकर वो ऐसे भी बैठे, पूरा पूरा ऐसे आगे की तरफ खींच करके थोड़ा रोकिए, फिर वापस आ जाइए, अंदर की तरफ खींचिए, ऐसे पांच पांच सात सात बार कर लीजिए। और थोड़ा सा रोक सकते हैं तो तीन तीन पांच पांच सेकंड एक एक अभ्यास में रोक किए पैरों को। दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं, एक एड़ी को दूसरे पैर के पंजे पर रख लिया, फिर इसको विपरीत दिशा में इस अंगूठे को लगा दिया। जैसे ये लेफ्ट वाला अंगूठा है ना, तो राइट साइड में ही लगाना है। घुटने से घुटने को दबा दिया, श्वास पूरा बाहर और गर्दन दूसरी ओर, ऐसे ही इसके दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना। राइट वाला पैर ऊपर है तो लेफ्ट वाली साइड में इस अंगूठे को लगा दीजिए, श्वास बाहर गर्दन दूसरी ओर, जहां दर्द है वहां पर मन को टिका के रखो। इस क्रिया को भी तीन तीन पांच पांच बार करिए। अगली क्रिया, इस घुटने को ऐसे फोल्ड करके इस पैर को इस जंघा पर रख लीजिए, श्वास बाहर और इसको छाती से लगाने का प्रयास कीजिए, दबाइए, श्वास भरें, इसको दबा करके नीचे ले जाएं, ऊपर से ऐसे दबा कर। इसको भी पांच पांच बार कर लीजिए, मैं दो दो बार ही करके बता रहा हूं, थोड़ी देर रोकना जरूर चाहिए। सांस भर के ऐसे नीचे दो, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें। साइटिका में आगे झुकने से बचें। साइटिका में कुछ लोगों को कमर दर्द भी होता है, साइटिका आजकल जवान लोगों को भी होने लगा है, 25 25 30 30 20 20 साल के लोग भी हमारे पास पेशेंट के रूप में आते हैं, तो वो भी बताते हैं कि साइटिका पेन हो गया या उनके लक्षणों से पता लगता है। कोई 35 साल का, 30 साल के, 35 40 40 50 50 साल में तो हो जाता, बहुतों को आजकल साइटिका कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो थोड़ा सा आप सावधान रहें, साइटिका पेन वालों को जो जो सावधानियां बता रहे हैं उनको
ध्यान रखें, उनको कार्यों को ना करें जो करने के लिए मना किया जा रहा है। ये करना है। अगली क्रिया, अपने ही गोदी में अपने इस पैर को यहां से लॉक कर दिया और इधर से घुटने को यूं लॉक कर दिया, इंटरलॉक यहां से किया, दाएं बाएं यूं चलाया जैसे किसी बच्चे को गोदी में आप झूला झूला रहे। इसी क्रिया को मैं सामने से दिखा रहा हूं, दूसरे पैर से। ये अभी बैठने वाली क्रियाओं को ही बता रहा हूं। अगला अभ्यास, तितली या बटरफ्लाई दोनों एड़ियों को, पूरे पैरों के तलवों को सबको पास में कर लिया, एड़ियों को अंदर की तरफ लगा दिया, श्वास भर के ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे तक ले गए, पूरा नीचे दबा दिया, पूरी तरह से नीचे दबा दिया। ऐसे करते रहे लगातार। जिनको साइटिका में अपनी जंघा से लेकर पैर तक दर्द है और साथ में कमर पर भी दर्द, कमर में भी दर्द है, उन लोगों को आगे झुकने वाला कोई अभ्यास नहीं करना है। देखो कुछ बटरफ्लाई कुछ लोग यूं यूं भी करते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे विशेष फायदा नहीं होगा। आपको विशेष फायदा करना है तो हर बार इसको आगे अपने पास ले आए, हर बार ऊपर पूरा उठाएं, हर बार पूरा नीचे लगाने की कोशिश करें। ऐसे विशेष फायदे का मतलब पूरी क्रिया करेंगे तो फायदा होगा ना। दो आसन ऐसे हैं जो साइटिका पेन वालों को करने चाहिए, तीन आसन ऐसे हैं। तीन आसनों में सबसे पहला अभ्यास वक्र आसन का, एक पैर को ऐसे मोड़ लिया जाए, ऐसे सीधा रखा जाए, ये कोहनियां हमारे पीछे से ऐसे लगती भी हो। जब दायां पैर मोड़ा है ना तो बाएं वाले हाथ को ऐसे ऊपर उठा लिया और अंदर से ऐसे लॉक करते हुए श्वास पूरा बाहर, इसको यूं लगाकर इसको यूं पकड़ लिया। अब जरूरी नहीं है पहले दिन इतना परफेक्ट हो जाए या हर एक से इतना परफेक्ट हो जाए, आपको कोशिश करनी जितना जितना हो रहा है, इतना इतना हो रहा है इतना करें, है ना। ये देखो पैर को यूं लगा रखा है, मोड़ रखा है, अंदर कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, ऐसे नहीं कि यूं कर रखा, ऐसे करना। और फिर अंदर से दूसरे वाले हाथ से, राइट वाला मोड़ा है तो लेफ्ट वाले हाथ से आपको ऐसे लाना है, इसको यूं दबाना है और श्वास पूरा बाहर और इसको यूं पकड़ लेना, श्वास पूरा बाहर और पीछे घूम जाए, इसको कहते हैं वक्रासन। इसमें मैं 10-15 सेकंड रुककर आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक रुकना चाहिए जितना आप सहजता से रुक सकें। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी, इसको दूसरे पैर से भी करना, ऐसे लेफ्ट वाला मोड़ लिया, राइट वाला हाथ ऊपर उठाया और अंदर से लिया, श्वास पूरा बाहर, इसको दबाया, लॉक किया, दूसरी तरफ से घूम गए और वापस पीछे घूम गए, श्वास पूरा बाहर, कस के रख दिया थोड़ी देर, श्वास भरते भी वापस आ गए। इसी के दूसरे अभ्यास को जिसको हम अर्ध मत्स्येन्द्र आसन कहते हैं, कैसे करेंगे, एक ये लगाया और इसके ठीक विपरीत दिशा में इसको पलट के रख दिया, है ना, इसको क्रॉस लगा दिया और दूसरे वाले पैर को ऐसे अंदर समेट लिया, ऐसे ठीक है, सीधे हो गए। अब हम दूसरे वाले हाथ से, जैसे राइट वाला ऊपर है ना तो लेफ्ट वाला ऐसे ऊपर से ले आएंगे, श्वास बाहर होगा और इसको यूं लगाया और धीरे धीरे पीछे घूम गए, पीछे वाले हाथ पर खूब जोर, श्वास बाहर,
श्वास भरते हुए वापस आ जाओ, फिर दूसरी तरफ से इसको कर लो। लेफ्ट वाले को उठाया, ऐसे विपरीत दिशा में लगाया, राइट वाले को ऐसे अंदर दबा दिया, अंदर समेट लिया, और राइट हैंड को, ये लेफ्ट वाला ऊपर है, राइट हैंड को ऊपर उठाया, श्वास पूरा बाहर, और इसको यूं लगाया, और धीरे धीरे ऐसे पीछे घूम गए। ये बैठे बैठे करने वाले आसनों में विशेष आसन मुख्य रूप से साइटिका के दर्द में आपके लिए लाभकारी है। तीसरा और अंतिम आसन बैठने वालों में आकर्ण धनुरासन या आकर्ण धनुष्टंकार आसन, ठीक है, कैसे होगा, या फिर धनुष्टंकार आसन भी कहते हैं इसको, या आकर्ण धनुष्टंकार आसन भी कहते हैं, या फिर आकर्ण धनुरासन भी कहते हैं। कैसे करना है, लेफ्ट वाला पैर, बायां वाला पैर, दायां वाला, राइट वाला हाथ, इस अंगूठे को पकड़ लिया और इसको अपने कान के पास ले आए, और दूसरे वाले पैर के भी अंगूठे को पकड़ लिया, विपरीत हाथ से पकड़ना है, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से, एक सीधा है और एक को मोड़ करके यहाँ ला रहे हैं अपने कान के पास, या कान से भी पीछे, जैसे धनुष की डोरी खींचते हैं क्षत्रिय लोग, इस प्रकार से हमें थोड़ी देर खींच कर रखना है, थोड़ी देर खींचने के बाद वापस छोड़ देना, फिर इसको दूसरी तरफ से दूसरे पैर से करना, श्वास पूरा बाहर होगा इसमें, जहां दर्द है वहां मन को केंद्रित करिए, विचार करिए कि मेरा शरीर का वह दर्द दूर हो रहा है जिसको मैं दूर करने के लिए इन आसनों को कर रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जो दर्द है ना वह भी हमारा दूर होता है, यह भी हमें केंद्रित रखते हुए ध्यान ध्यान केंद्रित रहना। लेटने वाले कुछ आसन है, लेट करके करने वाले कुछ आसन, साइटिका पेन में जो विशेष रूप से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं उन आसनों को भी हम अभी देखेंगे। जरूरी नहीं है सारे आसन सभी पेशेंट कर सकें, लेकिन जो भी साइटिका वाले पेशेंट है, जिनकी जैसी भी स्थिति है, सहजता से जो जो आसन कर सकें वो जरूर करना, ठीक है। सारे तो मेरे 10-15 क्रियाएं हो जाएंगी, तो आप 5-7 कर सकें तो 5-7 करिएगा, लेकिन करना जरूर। जिनको साइटिका पेन में, कमर में और घुटनों में भी दर्द आ चुका है, उन लोगों को इस मकर आसन को करना चाहिए। गोल गोल घुमाए, जिनको घुटनों में भी दर्द है, घुटनों में गैप आ गया है, कार्टिलेज घिस गई है, घुटनों की ग्रीसिंग ऑयलिंग खत्म हो गई है, कम हो गई है, उन लोगों को इन प्रैक्टिसेस को जरूर करना चाहिए। सीधा और उल्टा दोनों तरफ चलाइए, ऐसे ही लेफ्ट वाले बाएं वाले पैर को भी इसी प्रकार से ले जाएं, गोल गोल, पूरा गोल गोल, उल्टा भी चलाएं। दोनों को एक साथ मैं प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं, जरूरी नहीं है आप लोग इतना कम करें, आप बढ़ा सकते हैं। पहले दिन तो आप भी कम ही करिएगा, दूसरा अभ्यास सीख रहे हैं भुजंग आसन का, दो आसन भुजंग आसन के इसमें काम बड़ा अच्छा करते हैं। पहला भुजंग आसन सामान्य, सांस भर के ऐसे ऊपर उठाना, नाभि तक के पूरे भाग को ऊपर उठा लेना, श्वास बाहर वापस आ जाना, ऐसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, फिर आधे आधे मिनट तक कर सकते हैं इसको, पूर्ण भुजंग आसन की तरह से भी कर लेते हैं। कौन या सीधी, तिर्यक भुजंग आसन की तरह से भी कर सकते हैं, पैरों में फांसला, दोनों हाथों को ऐसे कंधों के नीचे, श्वास भर के ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर, कंधे के पीछे से ऊपर से ऐसे पीछे देखें विपरीत वाले पैर की एड़ी,
वापस आ जाए, फिर श्वास भर के फिर उठाए, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरे कंधे के ऊपर से देखें विपरीत वाले एड़ी को, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट हील को देख रहे हैं, वापस आ जाए। ये कमर में भी दर्द जिनको है उन लोगों के लिए भी है। अब चलते हैं शलभ आसन के तीन प्रैक्टिसेस करने। शलभ आसन, शलभ आसन के लिए अब साइटिका में बहुत विशेष रूप से लाभकारी जो क्रियाएं हैं वो अब स्टार्ट हो रही हैं। देखिएगा ध्यान से, सांस पूरा भर के दोनों हथेलियों को देखो जंघाओं के नीचे रख लेना है और थोड़ी जमीन पर और घुटने जमीन पर, सांस अंदर और दोनों जंघाओं के ठीक नीचे हथेलियां लगा दी, श्वास भरा, एक जंघा को ऐसे ऊपर उठाया, पंजे को खींचा, घुटने को खींचा, थोड़ी देर रोका और थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ गए। फिर दूसरे तरफ से भी ऐसे ही करना, सांस भरा, उठाया, थोड़ी देर रोका, और धीरे धीरे वापस आ गए। तीन तीन बार इसका अभ्यास करिए। फिर उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ सांस ऊपर भर के, सांस भर के इसको ऊपर उठा लेना, ऐसे उठा, थोड़ी देर रोकना, फिर वापस आ जाना। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं शलभ आसन की सेकंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे करेंगे उसको? एक हाथ को तो लेफ्ट वाले को तो कमर के पीछे बांध लेंगे, राइट वाले को आगे निकाल देंगे, दोनों पैर पास में, श्वास भर के राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट वाला पैर पीछे से ऊपर, ऐसे थोड़ा और पीछे से दिखाते हैं, ऐसे, ये देखो ये उठा हुआ है ना। फिर श्वास फिर भरे, अब दूसरी तरफ से करो, लेफ्ट वाला हाथ आगे करो, राइट वाला हाथ ऐसे कमर से बांध दो, फिर सांस भर के उठाओ, एक हाथ और दूसरा वाला पैर, विपरीत वाला पैर, थोड़ी देर रोका करो। ये सेकंड प्रैक्टिस हो गई शलभ आसन। थर्ड प्रैक्टिस शलभ आसन की कैसे होगी? दोनों हाथों को ऐसे कलाई से ऐसे यूं देखो पकड़ लेना, या इसको पकड़ लो या इसको पकड़, सांस भर के आगे से ऊपर उठाए। यही आसन स्लिप डिस्क वालों के लिए और कमर के पुराने दर्द वालों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। फिर से देखें, फिर से श्वास भरें, देखो दूसरे वाले कलाई से पकड़, फिर से खींचो, रोको, फिर वापस आ जाओ, विश्राम, थोड़ी देर ऐसे बाल आसन में आराम कर लो, क्योंकि इतने आसन करने से थकान तो होना स्वाभाविक है एक तरफ अथवा दूसरी तरफ। फिर पीठ के बल आ जाएंगे। साइटिका में सबसे ज्यादा उपयोगी जो क्रिया है वह है एक पाद हलासन, एक पाद अर्धहलासन या एक पाद उत्तितासन। कैसे होगा? राइट वाले पैर को यूं उठा करके थोड़ी देर रोकें ऊपर, सांस अंदर भर के रोकें, सांस को बाहर छोड़ देंगे, धीरे धीरे वापस ले आए, फिर सांस अंदर भरे, फिर दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाए, थोड़ी देर रोकें, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये सबसे ज्यादा उपयोगी क्रिया साइटिका के पेन में होती है, इसीलिए आपको इस क्रिया को तो करना ही करना है। बाकियों में किसी में कमी पेशी कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वाली क्रिया को तो जरूर करना है।
अभी जो शलभासन बताए थे तीन क्रियाएं, वह और एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाए और श्वास पूरा अंदर भर लेंगे, इसको थोड़ी देर ऊपर रोके, घुटने से ऐसे मोड़ना नहीं, घुटना सीधा रखना और पूरा सीधा कर लेना, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना, फिर श्वास भरें, फिर दूसरे से दूसरे को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, फिर श्वास बाहर वापस आ जाए। ये आवश्यक रूप से करने की अनिवार्य क्रिया है साइटिका पेन के लिए। वैसे तो मकर आसन, मरकट आसन भी किया जाता है, जिनके साथ में कमर में दर्द हो वे लोग मरकट आसन भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों हाथों को ऐसे साइड में खोल लिया, हथेली आकाश को दिखाए, दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से फोल्ड कर लिया, पास में रख लिया, श्वास बाहर एक तरफ घुटने दबा दिए, दूसरी तरफ गर्दन, दोनों पैर पास में है, दोनों घुटने एक के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे इधर भी श्वास बाहर। ये कमर दर्द के विशेष रूप से आसन है, क्योंकि साइटिका में कुछ लोगों के कमर में भी दर्द होता है, सियाटिक वात नाड़ी, कूल्हे का दर्द, और इसमें फासला रखें, दोनों में गैप कर लिया, एक को यूं लगाया एक पैर से एक घुटने को, और दूसरे पैर घुटने को जमीन से लगा, विपरीत दिशा में गर्दन, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिकाए, आंखें बंद, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी देखो। यह है मरकट आसन का सेकंड पोस्चर। थर्ड पोस्चर, श्वास बाहर और इसको लगा दिया, इस वाले हाथ से पकड़ लिया या इसके पास में ऐसे ले जाकर रोक दिया, ऐसे इसको भी करना है, इसको दूसरी तरफ से गर्दन दूसरी तरफ ऐसे। ये मरकट आसन का थर्ड पोस्चर है। जिनके कमर में दर्द नहीं है, केवल साइटिका है, उन लोगों को यह पादांगुष्ट नासा स्पर्शासन भी करना चाहिए। देखो, ऐसे पकड़ लिया इस पैर को, श्वास बाहर और इसको यूं इस घुटने से यूं समानांतर रख लिया, श्वास बाहर, और पूरा श्वास बाहर होने के बाद ऐसे नाखून या फिर अंगूठे को अपने नाक से लगा। जिनके साइटिका है वे लोग बड़ा उपयोगी आसन उनके लिए, लेकिन जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, वे लोग गर्दन नहीं उठाना, वो बस इतना सा लाना, पूरा श्वास बाहर, इसको दोनों पैरों से भी ऐसे किया जा सकता है। देखो, पवन मुक्तासन पहले एक एक पैर से करें ऐसे, अगला अभ्यास को बता रहे हैं। ये था पादांगुष्ट नासा स्पर्शासन और ये है पवन मुक्तासन। दोनों पंजों को ऐसे, दोनों पैरों को ऐसे खींच लें, ऐसे लगाएं, श्वास पूरा बाहर, पवन मुक्तासन। ये बड़ा उपयोगी आसन साइटिका पेन के लिए। दबाएं, पूरा दबाएं। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ऐसे ही रखना, गर्दन नहीं उठाना, फिर से दूसरी तरफ, श्वास पूरा बाहर, पूरा दबाएं, थोड़ी देर रोकना ना, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे। अब दोनों को एक साथ ऐसे कलाई से पकड़ लिया, अभी तक तो कैसे पकड़ते थे, पंजे को पंजे से, उंगलियों को उंगलियों से लॉक करके, अब कैसे पकड़ना है, ऐसे पूरा इंटरलॉक करना है, श्वास पूरा बाहर, दोनों में से एक घुटने से लगा दीजिए, ठीक है, और चाहे तो ऐसे लगा करके आप ऐसे झूला भी झूल सकते हैं। इससे भी विशेष रूप से लाभ होता है, जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी की मसाज होती है, ये मजबूत बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है, और इतनी अच्छी हो जाती है कि इसके सारे डिसऑर्डर्स दूर तो हो जाते हैं, भविष्य में भी कभी नहीं आते। ऐसे ही दाएं और बाएं भी इसको चला सकते हैं। ये थोड़ा सा साइटिका पेन के लिए आज आपको बताया। फिर थोड़ी देर ऐसे शव आसन में आराम करना, शरीर पूरा ढीला छोड़ करके आरामदायक स्थिति में आ जाना,
लंबे लंबे श्वास भरना छोड़ना, और उसके अलावा पूरा शरीर शिथिल शिथिल ढीला 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 छोड़ते रहे ढीला ढीला, कहीं से कस के नहीं रखना शरीर को, लगातार शरीर को ढीला छोड़ते जाना, शरीर को लगातार ढीला छोड़ना, आंखें बंद करना, पूरी तरह से विराम विश्राम, लंबे लंबे श्वास भरे छोड़े, ऐसे। तो साइटिका पेन के लिए आज हमने आपको कुछ आसन बताए, फिर भी किसी को यदि कोई संशय हो वह व्यक्ति और पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, आप फेसबुक यूट्यूब आदि पर जिस पर भी हमारा कार्यक्रम देख पा रहे हैं उस पर पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9828650092। इसमें एक उत्तान पादासन भी बड़ा उपयोगी है जिनके इनिशियल लेवल पर है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है साइटिका पेन, उनके लिए यह उत्तान पादासन भी बड़ा उपयोगी है, उठा करके सांस भर के ऐसे उठाना, ये नहीं बिल्कुल सीधा कस के रखना, उत्तान पादासन यानी 32-45 डिग्री तक आपको रोकना है इस उत्तान पादासन, उत्तान पादासन यानी उत यानी उठाना ऊंचा, पाद तान यानी तान के रखना, पाद यानी पैर, आसन यानी स्थिति, तो ये उत्तान पादासन। फिर ऐसे ही आपको इधर करवट लेकर के हमेशा उठना चाहिए, कभी भी आप लेटे अथवा उठे तो आपको करवट लेकर के ही उठना और लेटना चाहिए। ये मैंने आज साइटिका पेन के जितने भी परेशान लोग हैं उन सब के लिए यह विशेष कार्यक्रम रखा था, आप सबको इन छोटी छोटी क्रियाओं को करने से बहुत फायदा होगा ऐसा हमारा विश्वास है, हमने काफी सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के साइटिका पेन में विशेष लाभ पहुंचाया है। एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अब इस कार्यक्रम में जितने संभव हो पाते हैं टेलीविजन के इस कार्यक्रम में तो उतनों को ही देख पा रहे हैं, देखो ये जो पांचों उंगलियां चार उंगलियां एक अंगूठा, इनके बीच में चार गैप होते हैं, ये एक होता है, ये दो, इनको चैनल्स कहते हैं, ये तीन और ये चार, तो इस वाले को चैनल को हमें यूं दबाना चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट तक इसको यूं ऐसे अंगूठा चलाना चाहिए, अंगूठे में नाखून काट करके अंगूठे का यूं चलाइए, फायदा होगा पक्की बात है ना, साइटिका पेन में बहुत फायदा होने वाला है। इस टखने के ठीक नीचे आधा चांद अर्ध चंद्र खूब दबाएं, यह स्पाइन की जो रिफ्लेक्स पॉइंट है इसको यहां यहां से दबाएं, फिर ये वाला एक पूरा आधा चक्र है, देखो ऐसे पेन का पिछला भाग लेकर के भी आप दबा सकते हैं, पेन पेंसिल ऐसे ही, दूसरी तरफ भी ऐसे ही, इधर इस टखने के भी ठीक नीचे हर पॉइंट, इतने सारे पॉइंट बताए ना, हर पॉइंट में आपको दो दो मिनट तो कम से कम चलाना ही चाहिए, ऐसे ही दूसरे पैर में भी, एक दो तीन चार है तो और भी बहुत सारे पॉइंट, ये पांच, इस तरह से कुछ ऐसे हाथ में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखो हाथ में भी साइटिका का जिनको पेन है उनके लिए यह एक चैनल है, ये ऐसे दबाएं, जो अभी पैर में बताया था यही हाथ में भी है, ठीक है, कैसे देखो ऐसे इधर भी है, फिर यहां पर है, ये बीच में दबा दिया करो, फिर इधर दबा दिया करो, इधर भी दूसरे हाथ में भी, ये देखो ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, ये चैनल पूरा चैनल,
ये कूल्हे का पॉइंट है, देखो यहां से ये कंधे का, ये घुटने का, ये कूल्हे का, इसको यूं दबा दिया करो, ये देखो ऐसे, इधर से पकड़ा, यहां से दबाया अंगूठा इधर से, या फिर ऐसे भी दबा सकते हैं। देखो ये उंगली खत्म हुई ना, या एक, ये दो, ये तीन, या पांच पॉइंट है कुल मिला के यहां तक, तो अपने को तीसरे या चौथे, तीसरे और चौथे दोनों पॉइंट्स को यूं दबाना है साइटिका पेन के लिए। ऐसे ही ये पैर में भी है ना, ऐसा नहीं कि पैर में नहीं है, पैर में भी ये यहां पर है। तो साइटिका पेन वालों को और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो खट्टी चीजों को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, इमली को, नींबू को, जिनके ज्यादा दर्द है इन लोगों को, दही को भी छोड़ देना चाहिए। अजवाइन का एक चम्मच रोज बिना सिका हुआ कच्ची अजवाइन को रोज सेवन करना चाहिए, एक एक चम्मच रोज। जिनके बहुत ज्यादा समस्या है, आयुर्वेद में दो औषधियां आती है, योग राज गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी, इनका सेवन करना चाहिए तो उसके भी काफी आराम आ जाता है। तो मैंने आपको एक्यूप्रेशर, योग, आयुर्वेद और घरेलू चिकित्सा चारों ही आज के कार्यक्रम में बताई है। आशा है आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। काफी दिनों से साइटिका के कार्यक्रम की प्रतीक्षा चल रही थी, आशा है उन सबको अपने उत्तर मिल गए होंगे। कुछ आसन पूछ रहे थे, कुछ घरेलू चिकित्सा, कुछ एक्यूप्रेशर और कुछ आयुर्वेद, चारों ही प्रकार की चीजें बताइए। प्राकृतिक चिकित्सा और आगे बताएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन सी चीजें हैं जो साइटिका पेन को ठीक करती हैं, हिप बाथ है, हिप बाथ, और उसके अलावा कैसे टांगों पर मड बाथ कराते हैं या फिर मड का लेप करते हैं, तो मड यानी मिट्टी का, कौन सी मिट्टी का लेप करना चाहिए साइटिका में, कौन सी मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, उसकी पट्टी कहाँ कहाँ करनी है साइटिका पेन में, और भी हाइड्रोथेरेपी जल के द्वारा कैसे चिकित्सा करनी चाहिए, सूर्य के द्वारा कैसे, आगे के कार्यक्रम में बताएंगे। आशा है आपने आज के कार्यक्रम को ठीक ढंग से देखा, समझा और किया भी होगा या आगे करेंगे भी, इनको ही कर लेवे तो साइटिका काफी हद तक लगभग पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और प्राणायाम को जरूर करना, शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम अनुलोम विलोम को आप बहुत सारा कर सकते हैं, काफी सारी देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा आधा घंटे तक करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे करिए। ऐसे लंबे लंबे श्वास भर के और हर बार ये विचार करके कि मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है, और अच्छा, और ठहाका जरूर मारा करो। जैसे ही ठहाका मारता है व्यक्ति के अंदर बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जैसे बढ़ते हैं वो दर्द निवारक होते हैं, दर्द को कम करते हैं। श्वास पूरा भर के ओ ऐसे कई कई बार ठहाका मार के खुल के हंसा करो, जो खुल के नहीं हंसते ना वे भी बीमार हो जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना रखते हैं, सबको धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। ओम शम, जय हिंद, जय भारत।